अजमेर पुष्कर से विधायक सुरेश रावत, नवगठित अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति प्रधान सीमा रावत, उप प्रधान व अन्य पंचायत समिति सदस्य आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित से मुलाकात कर कार्यालय नहीं होने की जानकारी देते हुए जल्द से जल्द जनप्रतिनिधियों व आम जनता के लिए कार्यालय बनाने की मांग की है। विधायक सुरेश रावत ने बताया कि अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति का गठन कई महीने पहले कर दिया गया था और उसके चुनाव भी गत दिनों आयोजित करवा लिए गए, जिसमें बीजेपी की सीमा रावत प्रधान बनी और उप प्रधान भी बीजेपी का बना। वहीं कई सदस्य भी बीजेपी के निर्वाचित हुए हैं, लेकिन अब तक प्रशासन ने इन सभी के बैठने की व्यवस्था कहीं पर नहीं की है। ऐसे में सभी जनप्रतिनिधि आज जिला कलेक्टर से मुलाकात कर तमाम व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द पूरा करने और पंचायत समिति कार्यालय बनाने की मांग करते हुए कलेक्टर से मुलाकात करने पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उनकी इन मांगों को पूरा किया जाएगा, जिससे कि क्षेत्र के लोगों को परेशानी न उठानी पड़े। देखिए, अभी पंचायती राज के चुनाव संपन्न हुए और जिस तरह से अजमेर ग्रामीण के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हमारे क्षेत्र की जनता ने जनादेश दिया, हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और अजमेर ग्रामीण नवसर्जित ग्राम पंचायत समिति है, तो स्वाभाविक है कि उसके अंदर बहुत सारी संसाधनों की अभी जरूरत भी पड़ेगी और कई चीज़ें अभी जुटानी भी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना है कि इसमें साफ साफ प्रशासन की और सरकार की लापरवाही नज़र आती है कि हमारा पर्चा प्रधान निर्वाचित हो गया, उप प्रधान निर्वाचित हो गया, पंचायत समिति के सदस्य निर्वाचित हो गए, लेकिन इनके बैठने के लिए कोई भी भवन की व्यवस्था नहीं है। तो आज हम जिला कलेक्टर महोदय से मिलने आए और इनसे निवेदन किया कि हमारा प्रधान उप प्रधान हमारा अपना कार्यभार ग्रहण करके अपना सुचारू रूप से कामकाज चलाने के लिए इनको बैठने के लिए स्थान दीजिए। तो आज इन्होंने कलेक्टर साहब से हमने निवेदन किया और हमें उम्मीद है कि कल तक हमें स्थान उपलब्ध हो जाएगा।